की बॉगी है, सिर्फ मेरा ही बॉगी एक ऐसा है जो उसमें कोई घायल नहीं हुआ, बाकी सारा के सारा बॉगी में कुछ न कुछ है। देखने में तो बहुत भयावह थी, हम लोग तो समझे कि जान बचा कर आए हैं। अंदर कोलाहल की स्थिति, आदमी समझ नहीं पा रहा था भूत क्या गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। शुक्रवार को मैसूर से दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद ट्रेन में आग भी लग गई। ट्रेन एक्सीडेंट की तस्वीरें वायरल हुई और इस हादसे में तकरीबन 19 के आसपास लोग घायल हुए, जिनको आगे अस्पताल भी पहुंचाया गया। अच्छी बात यह है कि ट्रेन हादसे के बाद अब दरभंगा पहुंच गई है। दरभंगा पहुंचने के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों ने हादसे के वक्त क्या कुछ हुआ इस बारे में खुलकर बातचीत की है। यात्रियों ने अपनी पूरी आपबीती बताई है। यात्रियों ने बताया है कि जब ट्रेन में आग लगी थी उस वक्त आखिर लोगों के जहन में, बोगियों के अंदर चल क्या रहा था, जरा पूरी कहानी यात्रियों के जुबानी सुनिए। हम लोग बैठे थे, खाना का ऑर्डर दिए थे, खाना आया नहीं था, इसलिए बैठे खाना का वेट कर रहे थे, लेकिन खाना आया नहीं इसलिए सब लोग बैठे थे और बाकी के लोग खा भी लिए थे, भी बैठे थे। हादसा के जिसमें हुआ उस समय क्या माहौल था अंदर का? माहौल पता नहीं, सब लोग कह रहे थे क्या हो गया, क्या बोल गया। फिर मैंने कहा कि से गाड़ी फटी हो गई, फिर हम लोगों का उतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसे जैसे कि क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग गाड़ी फटी से अलग हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बॉगी तेरा आपके बॉगी में कोई घायल भी हुआ था? हमारे बॉगी में कोई घायल नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ही बॉगी एक ऐसा है जो कोई घायल नहीं हुआ, बाकी सारा के सारा बॉगी में कुछ न कुछ है। देखने में तो बहुत भयावह थी, हम लोग तो समझे कि जान बचा कर आए हैं, लेकिन धीरे 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 जब बाहर निकले तो इतना खास नुकसान नहीं देखे, जान माल का तो नुकसान नहीं देखे, थोड़ी बहुत तो क्षति हुई है। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय क्या स्थिति थी अंदर की? अंदर कोलाहल की स्थिति, आदमी समझ नहीं पा रहा था भूत क्या गया। घायल भी हुए? हाँ हाँ, घायल तो हुए। उन लोगों का इलाज कहाँ से चल रहा है? वहाँ से रेलवे के द्वारा पता चला चेन्नई भेजा गया। तो आप लोग कितने हादसा के बाद आप लोग कहाँ लेके गया गया? हम लोगों को तो पहले नियर स्टेशन पर ले गया है जहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर हम लोग बस से ट्रेवल करके आगे पुंडरी स्टेशन था वहाँ ले गया, और वहाँ से डीएमयू से हम लोग चेन्नई लाया गया, फिर चेन्नई पर इस ट्रेन में जो नया बनाएगा उस पर दिखा के। बता दें कि चेन्नई डिवीजन के कवरपेट्टई स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर की जानकारी मिली और पूरे देश में ये खबर हेडलाइन बनने लगी। बचाव और राहत दल तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। हादसे में 19 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, और हादसे के बाद फंसे हुए यात्रियों को बसों से पुनेरी ले जाने के बाद दो EMU स्पेशल ट्रेनों से चेन्नई सेंट्रल पहुँचाया गया। यात्रियों के पहुंचने के बाद उनको भोजन का पैकेट, पानी दिया गया और अरकोनम, रेणुगुट्टा और गुड्डूर होते हुए दरभंगा जाने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन में इन यात्रियों को बैठाया गया। उसके बाद अब ये यात्री जो है दरभंगा पहुंचे हैं, अपनी आपबीती सुना रहे हैं। और अक्सर जब हम कोई रेलवे हादसे की खबर सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि जब ये हादसा हो रहा होगा उस वक्त ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों के मन में चल क्या कुछ रहा होगा। अब इन यात्रियों से जब पत्रकारों ने बातचीत की उसके बाद साफ हो गया कि जब हादसा हो रहा था उस वक्त बोगी के अंदर यात्री जो है बहुत परेशान हो गए और लोगों के जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आगे होगा क्या। अच्छी बात ये रही कि इस पूरे मामले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि तमिलनाडु में शुक्रवार को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक्सप्रेस ट्रेन मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में घुस गई थी और यहां एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खैर, अच्छी बात यह है कि यात्री अब दरभंगा भी पहुंच गए हैं और खुद को सेफ और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।